खबर है मनावर की, जहां देश में तीन तलाक जैसे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बता चुके हैं। ऐसे में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया मनावर गांधीनगर से। यहां पति ने पत्नी को बदसूरत कहकर तीन तलाक दे दिए। यही नहीं, उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया है। पुलिस ने बुधवार को दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी शबनम पिता शाहरुख निवासी बदनावर हाल मुकाम गांधीनगर मनावर ने बताया कि 3 साल पूर्व मेरी शादी शाहरुख पिता मकसूद निवासी बदनावर के साथ हुई थी। शादी के 2-3 महीने बाद पति बदसूरत कहकर प्रताड़ित करने लगा और दहेज की मांग करता था। महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि इसके 5-6 माह बाद पति ने मुझे डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया और तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। मनावर न्यायालय में घरेलू हिंसा व भरण पोषण का भी केस लगा रखा है। महिला ने बताया कि 8 अक्टूबर को पति व सास मोमिना ने मायके आकर मेरे साथ मारपीट की। यही नहीं, पति ने 3 बार तलाक बोलकर मुझसे संबंध तोड़ लिए। थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर 3 तलाक बोलकर अवैध रूप से संबंध विच्छेद करने व दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में आरोपित को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। नाम बता दो आपका। नाम शबनम। क्या हुआ आपके साथ, आपने जो केस दर्ज करवाया था? शुरू से मेरे को पसंद नहीं करते और वहाँ पर 3 महीने उन्होंने अच्छा रखा मेरे साथ, बच्चा पेट में आने के बाद उन्होंने भगा दिया। उसके बाद मैंने बहुत फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाने से भी इनकार कर दिया और फ़ोन उठा तो मुझे गाली गलौज करते, तंग करते, परेशान, इन बहन में से चलते। उसके बाद मैंने बहुत रास्ता देखा, उन्होंने आएंगे आएंगे आएंगे, मैंने कहा मेरा घर बच जाएगा। वो मेरी सास भी मेरे को कहती धर्मशाला बच्चा पैदा करने जा, ने नन कहती है कि जा, तुमको पसंद नहीं करता धर्म, तेरे बाबा के घर जगह नहीं हो तो धर्मशाला पैदा करवा, नहीं ताना समझा पैदा करने। मैं आ गया, उसके बाद मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, तलाक दे के चला गया तो मतलब क्या रहने का, इस्लाम के बाहर तो मैं रह नहीं सकती हूँ कहीं, अब मेरे को मेरा हक दिलवाए। समझौता भी कर रहा उन्होंने, हाँ कह के चले गए, 2 दिन यहाँ घर पर रहे। उसके बाद उन्होंने कह दिया वहाँ जाके बोल दे मेरी बहन मेरे भाई ने मेरी माँ ने मना कर दिया तो तेको मैं नहीं रखूँ, शुरू से नहीं रखना चाहता हूँ। क्या नाम है? युवराज सिंह चौहान। ट्रिपल तलाक के मामले में क्या कार्रवाई? इसमें फरियादिया है शबनम पति शाहरुख मुसलमान निवासी बदनावर की है। इसकी 2016 में शाहरुख से शादी हुई थी और शादी के बाद से ही इसका पति जो है इसके साथ मारपीट करता था, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। और इसके बीच में इसके एक औलाद भी पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, तो उस समय भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे और शाहरुख जो है उसकी मैयत में भी नहीं गया ऐसा इनका कहना है। कई बार दोनों पक्ष बैठ करके आपस में राजीनामे के लिए इकट्ठे हुए लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। अभी दिनांक 8-10-19 को शबनम और शाहरुख के परिवार वाले फिर बैठे और इनके संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा के दौरान आरोपी शाहरुख की जो माँ है मोमिना, उसने शाहरुख से कहा कि तू रहने दे, अब तेरी दूसरी शादी कर देंगे, इसको तलाक दे। माहौल गर्म रहा होगा उस समय ऐसा उनका कहना है और ऐसे में गुस्से में आकर के शाहरुख ने शबनम को 3 बार तलाक 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 दे करके और तब सबके सामने तलाक दे दिया। तो इस पर से थाना मनावर में अपराध क्रमांक 811/19 धारा 491A 323/506 भारतीय दंड विधान और अभी जो नया एक्ट बना है उसके तहत धारा 4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार की सुरक्षा अध्यादेश 2018 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है, प्रकरण विवेचना में है और बहुत जल्दी दोनों आरोपी गणों की गिरफ्तारी ली जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।